Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lectures. आज हम पढ़ेंगे मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है? ये हमारे अगर कहाँ का सिलेबस पॉइंट का है, बेसिकली 10th पॉइंट ही हम कर रहे थे, तो मेटेलिक पॉइजनिंग है, मर्करी पॉइजनिंग. तो सबसे पहले पारद के बारे में देख लेते हैं. आयुर्वेद में मर्करी क्विक सिल्वर इसको बोलते हैं, हाइड्रेट गिरम इसको बोल देते हैं, ठीक है. पर्याय क्या है? सूत, सुतेंद्र, रस, रसेश्वर, चपल, ये सब इसके आएंगे. कैटेगरी मेटेलिक पॉइजनिंग है. इंट्रोडक्शन में वही है कि देखो, वैसे तो अगर ये मेटल है, मर्करी इज अ मेटल इन लिक्विड स्टेज में क्या होती है, ये सिल्वर के जैसी दिखती है, तो तब इसकी कांड क्या बोल देते हैं, इसको क्विक सिल्वर बोल देते हैं. हमारे आयुर्वेद में तो पहले से ही 3000 पहले साल पहले से इसके बारे में वर्णन है और इसका यूज भी किया जाता है, ठीक है जी. पारद का और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मर्करी पॉइजनिंग पढ़ते हैं. मर्करी इज फ्रीक्वेंट यूज इन आर्ट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेटअप्स, डेंटिस्ट्री एंड अदर मेडिकल मॉडलिटीज. तो जो मर्करी होता है उसका आर्ट में, उसका कमर्शियली, इंडस्ट्री सेटअप, डेंटिस्ट में यूज किया जाता है. इसकी टाइप जो होती है पॉइजनिंग की, वो दो होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, ठीक है. इसके दो होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक होता है. एक्यूट क्यों होता है, बेसिकली जब हम एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक डोज में उसका सेवन कर लेते हैं तो वो एक्यूट पॉइजनिंग होता है, ठीक है. लिखा भी है, एक्यूट पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू सडन इंजेक्शन ऑफ मर्करी इन इट्स टॉक्सिक डोजेस. वेयर एज क्रॉनिक क्या होता है कि आप काफी लंबे टाइम से आप उसको लेते आ रहे हो, ठीक है यही आएगा इसमें. वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग इज ड्यू टू इंजेक्शन इन माइन्यूट क्वांटिटी ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. साइन ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग तो सडन आएंगे, एकदम से आएंगे, बहुत एग्रेसिव भी आएंगे. क्रॉनिक के थोड़े थोड़े माइल्ड आते रहते हैं, लंबे समय तक आते रहते हैं. अब क्रॉनिक भी दो टाइप से है, एक ऑक्यूपेशनल, एक थेरापेटिकल. ऑक्यूपेशनल तो क्या होगा, अगर मर्करी वाली कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां से हो सकता है. थेरापेटिकल क्या है, कोई भी डेंटिस्ट्री है, कोई मेडिकल कुछ भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे हो सकता है. अब एक्यूट मर्करी पॉइजनिंग के क्या सिम्टम है, इसमें भी आपको फर्स्ट स्टेज मिलेगी, सेकंड स्टेज मिलेगी. देखो सिंपल, फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा, एकदम से आपको मेटेलिक टेस्ट मिलेगा माउथ में, चोकिंग इन सेंस मिलेगा थ्रॉट में, जीआई सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथ और मेन पॉइंट आता है स्वेलोइंग एंड ग्रेइश व्हाइट कोटिंग ऑफ माउथ, ठीक है. क्यों ग्रेइश व्हाइट कोटिंग क्यों आते हैं, सिल्वरी है ना, सिल्वरी टाइप का कलर है तो इसके कारण आता है इसमें. ये आपके फर्स्ट स्टेज में आएगा. सेकंड में क्या होगा, ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, अल्सरेशन, गिंगिवाइटिस आता है, अल्सरेशन हो जाता है, लॉजनिंग ऑफ टीथ हो जाता है, नेक्रोसिस ऑफ जो हो जाता है, नेक्रोसिस ऑफ रेनल ट्यूबल्स हो जाता है, ठीक है, आपको याद करना है. नेक्स्ट आता है क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग. क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट गिरिज्म, ठीक है जी. ये किसके कारण है, देखो एक तो ऑक्यूपेशनल है, एक आपका थेरापेटिकल है, वही बात बोल रखी है इसमें, और एक्यूट के बाद तो आता ही है क्रॉनिक. साइन सिम्टम क्या होगा, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ आएगा, ठीक है, ग्लोसाइटिस आएगा, नोइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और इसमें पेन भी होता है बेसिकली, ठीक है. तो इसमें आपको याद रखना है ये कि ये सब चीजें इसमें आएंगी. और एनीमिया मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस और मेन पॉइंट आते हैं मर्क्यूरिया लेंटिस. क्या होता है मर्क्यूरिया लेंटिस कि इसमें जो होता है, जो एंटीरियर लेंस होता है आपका, एंटीरियर लेंस कैप्सूल होता है का, उसमें ब्राउन लाइन आ जाती है, लेकिन वो विजन को इफेक्ट नहीं करती है आपके, तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरिया लेंटिस. और मर्क्यूरियल ट्रिमर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है. और इरिथिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इरिथिज्म. तो क्रॉनिक में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, मेटेलिक टेस्ट तो आएगा ही, ग्लोसाइटिस होएगा, अल्सरेशन, नोइजिया, वॉमिटिंग, इसमें पेन भी बहुत होता है, ठीक है. मेन आपको याद रखना है मर्क्यूरिया लेंटिस और मर्क्यूरियल ट्रिमर्स आते हैं और इरिथिज्म आते हैं. ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, रिमूवल करना है साइट ऑफ एक्सपोजर से, ठीक है, उसको वहां से हटाना है जहां पे वो काम करता है. सोडियम थायोसल्फेट आप यूज कर सकते हो, BAL, यू नो BAL इज ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, ये आपका एंटीडोट है.
बेसिकली इसको यूज किया जाता है, आईएम देना है, विटामिन सी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपका आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकते हैं, मर्करी नहीं तो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकता है। फेटल डोज इसकी क्या है, मर्करी क्लोराइड 1 to 4 ग्राम, ठीक है। मर्करी की कितनी पारद की कितनी है, 1 से 4 ग्राम है और 2, 3 से 5 दिन तक है, ठीक है जी। 1 से 4 और 4 से पहले का और 4 के बाद का इसमें दिन बना रहे हैं कि 4 से पहले 3 है, 4 के बाद 5 है, तो 3 से 5 दिन तक आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक लेवाज आपको करना है, ठीक है। और इसमें बता भी रखा है, दिस इज डन यूजिंग 5 to 10% सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट और 250 ml यूज करना है, अप्रोक्सीमेट 100 ml अलो स्टमक में ही रहने देना है क्योंकि एज अ केमिकल एंटीडोट वहां पे काम करता है। एग एल्बुमिन यूज करना है, एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब 3 टेबलस्पून आपको 2 कप वाटर में डालना है, उसके उससे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाते हैं मर्करी के सॉल्ट। और हेमोडायलिसिस कराना है रीनल डैमेज में, और BAL आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, इसका अदर नेम होता है डाइमर कैप्रोल, जो कि आपको 3 से 5 mg/kg बॉडी वेट देते हैं IM। इन्होंने बोला कि 4 आर आपको बार बार 4-4 घंटे बाद, आपको पहले 2 दिन करना है ऐसा कि बार बार देना है, फिर 6-6 घंटे बाद देना है तीसरे दिन, और फिर 12-12 घंटे बाद देना है 10वें दिन, ठीक है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बता रखा है, और इसमें बता रखा है गंध रसायन आता है, परपट अरिस्ट आता है और सारिवा अरिस्ट आता है। नेक्स्ट इसका है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। देखो पोस्टमार्टम में ओरली में क्या मिलेगा, टंग व्हाइट इन कोट मिलेगी, स्वेलोइन मिलेगी, माउथ डिफ्यूज ग्रेइश व्हाइट मिलेगा, जी म्यूकस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोरोजन कंजेशन मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन और सिकम में क्या मिलेगा, इन्फ्लामेशन अल्सरेशन ये मिलेगा, लीवर में कंजेशन सेंट्रल नेक्रोसिस, हार्ट में क्या मिलेगा, फैटी डीजेनरेशन एंड सब एंडोकार्डियल हेमरेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास स्प्लीन में क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा बेसिकली, और इसमें एमएसआईटिक बॉडी मिलेगी, क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया के कारण क्या होता है, बेसिकली फ्लूड लॉस हो जाता है उसके कारण। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है मर्करी के उसमें, और अबॉर्टिफिसेंट है, सुसाइडल पॉइजनिंग बहुत रेयर होती है क्योंकि ये पेनफुल डेथ होती है, और होमोसाइडल भी बहुत रेयर होती है। तो हमने ये पढ़ा है मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है। मेन आपको मर्करी पॉइजनिंग में क्या याद रखना है, इसके 2 टाइप है, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। एक्यूट वाला जो होगा वो एकदम से आती है, इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज, फर्स्ट में आपका सिर्फ मेटेलिक टेस्ट आएगा, ठीक है, और क्या था कि चोकी थ्रोट आता है, इसमें बर्निंग सेंसेशन आता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, ग्लोसाइटिस बताया था, अल्सरेशन बताया था, ठीक है, ये सब चीजें इसमें सेकंड स्टेज में हमने बताई थी। और उसके बाद आता है क्रॉनिक में, क्रॉनिक में तो बेसिकली यही सब मिलेगा, मैंने आपको बताया था मर्क्यूरियल ट्रिमर्स आते हैं, मर्क्यूरियल लेंसेज आता है इसमें, ठीक है, और इरिथिज्म था वो भी बताया था। फेटल डोज फेटल पीरियड इसका क्या है ये आपको याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या मिलेंगी। ये मर्करी पॉइजनिंग इज इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ प्रीशियस टाइम ऑफ योर।